गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड जूरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप कैंसर के मरीजों की सेवा करते हैं बराबर? जी सर। अगर आप ये प्रतियोगिता जीत जाते हैं तो उससे कैंसर के मरीजों को आप किस तरह फायदा पहुंचाएंगे? बिल्कुल सर, एक्चुअली आई एम डोनेटिंग माय पार्ट ऑफ सैलरी मंथली, सो विद दिस इफ आई विन द टाइटल टुडे ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू गेट आइडेंटिटी फॉर द सेम एंड आई यूज दिस आइडेंटिटी टू कलेक्ट द charity for the cancer patients and I will, of course I am with tied up with NGO Saint Jude which is at Tata Hospital, so this platform will help me to grow the things further and further so I can do the best for cancer patients. मुझे लगता है कि अगर आप ये प्रतियोगिता जीत जाएं तो आप एक कैंसर पेशेंट के रोल मॉडल बने और बहुत सारे कैंसर के प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, किस वजह से, क्या लाइफ स्टाइल डिसीजेस से बचने के लिए क्या जीवन परिवर्तन लाएं, ऐसे आप बहुत सारे पोस्टर बनवाएं या फ्लैक्स बनवाएं और लगवाएं ताकि लोग आपकी बातों को फॉलो करें। बिल्कुल सर, रियल लाइफ में देखते हैं उसको, रियल लाइफ में। यस सर, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ दैट द पीपल शुड नो व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल for early detection, prevention and cure of this same. That is because the day by day the cancer cases are increasing and the main thing is that the cancer awareness is less. So, and this will also help to pass the message that cancer can be curable if detected early. Thank you all. Good evening, everyone. My question is, have you ever participated in any social cause? Yes, I do social cause as I'm a tarot reader. So I already help people in the spiritual field. By social work is what type of social work? Like some people when they are in pain, they cannot pay anything, and if they want any remedies, so I don't charge any reading charges. If any remedies, I don't charge. Thank you so much. Contestant number 3, please come. Hi. So generally, लोग पूछते हैं कि पुरुष महिलाओं से क्या सीखते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपसे उल्टा पूछना चाहती हूँ कि महिलाएं पुरुषों से क्या सीखती है? महिलाएं पुरुषों से क्या सीखती है? बहुत अच्छे सवाल किया आपने मैम। वो समय तो रहा नहीं कि एक्चुअली पति परमेश्वर है, पहले भी थे आज भी हैं, और पति के अकॉर्डिंग चलते थे, पति जो कहते थे वही कर रहा है क्योंकि वो समाज का हर चीज़ का उनके साथ बॉन्डिंग था। और लेकिन मैं ये कहूँगी कि पति पत्नी दोनों को ही एक दूसरे के साथ, कहते हैं ना गाड़ी के दो पहिए हैं, तो दोनों को ही एक साथ चलना है और दोनों को ही एक दूसरे के से सीख लेना चाहिए और दोनों को ही एक दूसरे के साथ बना कर रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब था नहीं, पर मेरा क्वेश्चन है क्या सीखना चाहिए पति को सीखना चाहिए पति लड़कियों को, नॉट पति लड़कियों को, लड़कों से बिल्कुल पति की तरह ही गुरूर बनना चाहिए, उनकी तरह कमाना चाहिए, उनके तरह बाहर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Good evening, everyone. Sorry. Please.
community both. If we will only take, it means we are the selfish. We have to give and we have to take. I believe in that. Thank you. Priya. एक लड़की किस स्तर पर एक महिला बन सकती है? एक लड़की के सर पे एक महिला बन सकती है? हाँ। ये एक लड़की को ही ताज दिया जाता है कि वो एक महिला बने, फिर माँ बने और फिर एक अच्छी बहन, एक बेटी, एक पत्नी। सो ये दर्जा सिर्फ औरतों को ही मिला है। थैंक यू सो मच। बट आपने आंसर सही नहीं दिया। एक लड़की किस स्तर पर एक महिला बन जाती है? जब वो माँ बनती है। थैंक यू। मेरा एक सवाल है। जी सर। जब माँ बन जाती है तो अलग सा होता है, तो माँ में और भगवान में किसको आप श्रेष्ठ मानते हैं? माँ और भगवान में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माँ होती है, क्योंकि भगवान के हाथ में स्वर्ग और नर्क भेजने का होता है, बट सिर्फ माँ के आंचल में सिर्फ स्वर्ग होता है। थैंक यू सो मच। वो कैसे? सर, एक्चुअली माँ को जो दर्जा दिया गया है धरती पे, उसको भगवान भी एक्सेप्ट करते हैं। सो दैट्स रीजन। थैंक यू सो मच। जी, भगवान ने अच्छे लोगों के लिए स्वर्ग की रचना की है, बुरे लोगों के लिए नरक की जी। लेकिन माँ के आंचल में सिर्फ स्वर्ग, चाहे उसकी औलाद अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसके आंचल में हमेशा स्वर्ग होता है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। What are the best qualities a parent could share with their children? Can you repeat? Why? Sorry ma'am, can you repeat in Indian? What are the best qualities a parent could share with their children? Okay, thank you ma'am, beautiful questions. Can you explain in Hindi? Yeah. Because of my English. Sure. मुझे लगता है कि इसका जो क्वेश्चन है ये है कि एक जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों के साथ अपने क्या अच्छे गुण या अच्छी क्वालिटीज़ शेयर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में पेशेंस जो कि हर फील्ड में इम्पॉर्टेंट है, एंड इमोशनल बैलेंस, जैसे कि बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते अपने इमोशंस को, कि कोई सिचुएशंस हैंडल नहीं कर पाते, और ये सब इमोशंस की वजह से होता है। तो एक इमोशनल कंट्रोल, बैलेंस, पेशेंस एंड ऑनेस्टली हार्ड वर्क। तो मे बी कि अगर ये क्वालिटीज़ बच्चों में अगर पहले से ही आ जाएंगी, तो जब वो किसी भी फील्ड में आके ग्रो करके जाएंगे, तो ये 3-4 पॉइंट उनको लाइफ में बहुत काम आएंगे, मुझे ऐसा लगता है, हर फील्ड में। थैंक यू मैम। नंबर 7 प्लीज। आप प्रोफेसर है, टीचिंग जॉब में है। यस सर। आज की सिनारियो में जो हमारी एजुकेशनल प्रणाली है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आप किसको मानते हैं? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर। इन नाउअडेज द एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन मनी। Those who have money, they are able to get everything, every facility, and those who are poor, they are not getting any facility to improve themselves. So I believe that apart from financial status, everybody should get the equal opportunity to achieve anything, whatever they want in their life, according to their talent. According to your view, what is the role of this WhatsApp, university, Google and social media? Yes, of course, it's a big distraction nowadays. People have been distracted because of that. There is negative impact more and positive impact less.
So children should not be distracted in those things and use internet positively for the studies, for good knowledge, for science, etc. अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई आने वाली है, मैं अभी यूरोप गया था तो डॉक्टर अजय भवन साहब टाइप का पूरा मेरे बारे में एक अच्छा चिट्ठा बोल दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे एजुकेशनल सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या ये फायदेमंद हो या नुकसानदायक? सर, इन सम पॉइंट इट कैन बी बेनिफिशियल, इन सम पॉइंट कैन बी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यस सर, वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू सो मच मिसेस, आप सब अपनी जगह पे रहोगे, आपका टाइटल